ठीक है चलिए पहला आ रहा है स्ट्रेंथ द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपका और बढ़ाने की भी जरूरत है नंबर इलेवन uh, किसी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा था आप पावरफुल नहीं है तो नहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो टेंशन नहीं लेना है अगला मैसेज है फहरिश की तरफ से नाइन ऑफ विंटर Unfold, unfounded fear focus on focusing on worst case scenarios के worry to grow out of proportion to the problem to aapko तो आपको rahi कह रही है कि एक्चुअली मैं ये कहूँगी नंबर पहले ये लेते हैं फिर ये कि नाइन ऑफ विंटर कार्ड्स ये कह रहा है कि आपने ना अपनी आ, बहुत ज़्यादा like you know सोच सोच कर सोच सोच कर सोच सोच कर कि फीयर्स बढ़ा लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी ना भी हो पर आपने सोच कर उसे बड़ा बना दिया है तो वो जैसे कहते हैं कि हमेशा ये मत सोचिए कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है प्रॉब्लम को ये कहिए कि हमारा ईश्वर कितना बड़ा है ठीक है कोई प्रॉब्लम ईश्वर के लिए इम्पॉसिबल नहीं है वो सारे रिजॉल्व कर देंगे आपको स्ट्रेंथ मिल रही है और आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ठीक है बाबा की तरफ से मैसेज है इग्नोर टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एन हर्थ डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी आपके पेन से आप गो थ्रू कर रहे हैं उसके बारे में जितना कम बात करेंगे उतना कम वो मैनिफेस्ट होगा क्योंकि हम बार बार अगर अपनी पेन रिपीट करेंगे तो यूनिवर्स में वो सिग्नल जाएंगे कि शायद उनको ये लगेगा शायद यू नो वही वो, वो यूनिवर्स को नो तो वर्ड समझ ही नहीं आता आई डोंट वॉन्ट दिस नहीं ये नहीं बोलना है आई वॉन्ट दिस जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए जैसे मुझे ये नेल पेंट नहीं चाहिए ठीक है इसकी बजाय ये कहना कि मुझे आ, पिंक कलर का नेल पेंट चाहिए अगर ये नहीं इसकी जगह कोई और चाहिए तो ये जो नहीं है वो नहीं समझ आता है यूनिवर्स को नो नहीं समझ आता है तो जो जैसे आप बार बार सेंड करेंगे वाइब्रेशन वही वापस आ जाएगा चाहे वो सैड हो चाहे वो हैप्पी हो तो हमेशा पॉजिटिव ही भेजना है यूनिवर्स में यू you नो know? चलो अगला मैसेज है

अगला लास्ट मैसेज है ट्री विजडम दिस ट्री ड्राइड ड्राइड विल हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन हर फ्लूट विल रिवील इन एंड आंसर्स द साउंड थ्रू द साउंड्स इट मेक्स तो आपको विजडम बढ़ रही है फेरस की तरफ से ये ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ की जो करंट सिचुएशन है वो हील हो रही है बस आप नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए ठीक है सो ये थी आपकी आज की गाइडेंस आई सी यू टू मॉर ऑन वीडियो थैंक यू गाइज अगर आपको प्लीज कुछ भी आपको अच्छा लगे इस वीडियो में लाइक जरूर करिए आपकी एक लाइक से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रही हूँ कि जो भी जितना क्विकली आपको एक वीडियो में दे सकूँ तो देती हूँ आई टोल्ड यू दिस इज नॉट माई प्रोफेशन मैं आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वॉज गाइडेड टू डू इट ठीक है सो प्लीज़ आप भी एक छोटा सा आपका एक इनकरेजमेंट uh, मुझे बहुत हेल्प करता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल फॉर बींग हेयर आई लव यू ऑल एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी योर चैनल